आज रात को मैं अपने दोस्तों को एक मशवरा पेश करना चाहता हूँ। आज जैसा कि ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है उन हजरात के लिए जिनकी पहले नमाजें छूट गई हैं, कज़ा उम्री जिनको कहते हैं, उनके ऊपर कर्ज है वो नमाजें। अल्लाह तबारक, ठीक है, एक साथी, एक दोस्त, मेरा नौजवान भाई या कोई भी अल्लाह के दीन पर कायम हो गया, वो जमात में जाकर या किसी आलिम के समझाने से वो 30 साल 40 साल की उम्र में नमाज पढ़ने लगा और दीन पर कायम हो गया, लेकिन उससे पहली जो नमाजें अल्लाह के यहाँ, उनका भी तो हिसाब होगा, उनके लिए हम क्या जवाब देंगे? तो मैं ये मशवरा पेश करता हूँ, हम सब खाली हैं, कुछ काम नहीं है हमको, हम ये करें अपनी कज़ा उम्री शुरू कर दें। और उसका आसान तरीका ये होगा कि फजर की नमाज में 5 दिन की फजर की नमाजें दोहरा लें, जिसमें सिर्फ फर्ज पढ़ने हैं, सुन्नतें नहीं पढ़नी है, इसलिए कि नमाज के कज़ा हो जाने के बाद सुन्नत ख़त्म हो जाती है, तो और वितर पढ़े जाएंगे, वितरों की भी कज़ा होगी। तो फजर की नमाज में 5 दिन की फजर की नमाजें पढ़ लें, जोहर की नमाज में 5 दिन की जोहर की नमाजें पढ़ लें, असर की नमाज में, इसी तरीके से हर 5 वक्त की नमाज में 5 दिन की नमाजें अपनी कज़ा उम्री पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, अगर आपने एक महीने कंटिन्यू मुस्तकिल आपने अपनी कज़ा उम्री क्या नाम पढ़ ली, अपनी पिछली नमाजों को दोहरा लिया, तो एक महीने में, एक दिन में अगर 5 दिन की नमाज पिछली आप पढ़ लेते हैं, तो एक महीने में 5 महीने की कज़ा उम्री आप जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उसका भी हमसे हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह के यहाँ हमसे उसका भी हिसाब तलब किया जाएगा कि पिछली जो नमाजें तुमने छोड़ रखी उनका क्या होगा, उसके बारे में भी तो हमें सोचना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जिनकी पहले नमाजें छूटी हुई हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी कज़ा उम्री शुरू कर दें, अल्लाह के यहाँ उसका भी जो है हिसाब होगा।